खबर हरिद्वार से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास की पालकी यात्रा निकाली गई। बता दें, यह यात्रा सोने की पालकी से निकाली गई, जो कि जालंधर से पंजाब से होते हुए हरिद्वार पहुंची, जहां जगह जगह पालकी यात्रा का फलों से वर्षा कर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं पालकी यात्रा में जालंधर से पधारते संत बाबा क्रिमिनल दास ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन आदर्शों से समाज को प्रेरणा मिलती है, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हम जो अगला हमारा प्रोग्राम है, जो 26 तारीख को गुरु महाराज जी का आगमन गुरुपुरब है, वो मना रहे हैं। तो आश्रम में गुरु महाराज जी की स्वरूप वहाँ स्थापित करने के लिए, गुरु रविदास महाराज जी का पहले भी स्वरूप है, पर इसमें हम स्वरूप स्थापित करेंगे। और ये गोल्ड की अपने सारे महापुरुषों ने ये बनवाया है और इसको आश्रम में स्थापित करेंगे। उसके बाद हमारा जो 5 तारीख को यहाँ, 5 अप्रैल को, 5, 6, 7, 5 को हम पंजाब से चलेंगे और 7 यहाँ शोभा यात्रा होगी हर की पौड़ी तक, आश्रम से लेकर हर की पौड़ी, और 7 शाम तक हमारा प्रोग्राम खुले पंडाल में चलेगा। ये हमारा अप्रैल में पहले हफ्ते में प्रोग्राम रहता है। तो उसके लिए आगे जो 2 साल है, अभी 647वां आगमन गुरुपर्व है, तो अगला जो प्रोग्राम आ रहा है 650, उनके लिए हम सरकार से भी बेनती करते हैं और समाज से भी करते हैं सबसे, कि आप बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे ये गेट बना है, तब तक मुझे परमिशन मिल जाए तो हम हर की पौड़ी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर गुम्बज भी बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, उस पर गुम्बज बनाकर सोने का गुम्बज सोने में बना देंगे। तो जिस सरकार देगी 2050 तक हमें परमिशन देगी, तो हम जरूर जल्दी तो जल्दी बना देंगे। और हमारा अप्रैल में प्रोग्राम है, अप्रैल में सारे महापुरुष आ रहे हैं, पंजाब भर से जी, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, दिल्ली से सब आकर गुरु महाराज जी का आगमन गुरुपर्व हम 7 तारीख को मनाएंगे, 7 अप्रैल को। जहाँ